और बी दो सेट्स हैं, उनके बीच कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं? उसका फॉर्मूला है 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। हाई एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। बच्चों, क्लास 11th में हम लोग रिलेशन और फंक्शंस पढ़ रहे थे। हम लोगों ने रिलेशन कार्टेशियन पेयर के साथ साथ ये भी जान लिया था कि फंक्शंस क्या होता है। आज हम लोग रिलेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने कुछ इतना डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सेट्स पढ़ते हैं। दो सेट्स जो होते हैं एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, अगर उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ले लें तो उसे हम कहते हैं ए क्रॉस बी, जो हमने पहला डिस्कस किया था। यानी पहला स्टेप है सेट, दूसरा स्टेप है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स को अगर हम रिलेट कर दें, ये दो सेट यहाँ मैंने ले लिए हैं ए और बी, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो अगर इनमें कुछ रिलेशन है तो रिलेशन को हम ऐसे शो करते हैं कि रिलेशन इज एक्चुअली सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यानी अगर दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है तो हम उसे ए क्रॉस बी से लिखते हैं। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? हमेशा एक्स कॉमा वाई टाइप के होते हैं, सच दैट वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यानी कि अगर मैं दो एलिमेंट को कार्टेशियन प्रोडक्ट लेती हूँ तो पहले एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब मान लीजिए ए से बी में कोई रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि उस रिलेशन से इसके एलिमेंट डबल हो जाते हैं। अगर एक रिलेशन इसके एलिमेंट को डबल कर रहा है तो मैं उस रिलेशन को कह सकती हूँ x, 2x, यानी हर एलिमेंट को उसका दुगना दिखेगा। 2 को 4 दिखेगा, 3 को 6 दिखेगा, 4 को 8 दिखेगा, ठीक है। तो मान लीजिए b पूरा सेट ये है, b में कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1000 एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे पूरे एलिमेंट से मतलब नहीं है। अगर डोमेन में ये जो डोमेन है मान लीजिए इसमें सिर्फ 5-6 एलिमेंट्स हैं, अगर डोमेन में एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 इतने एलिमेंट्स हैं, तो ये जो रिलेशन है इन एलिमेंट्स को उस एलिमेंट में बदल दे रहा है। तो अगर मैं डोमेन में ये एलिमेंट देखती हूँ तो 2 रिलेट होगा 4 से, 4 रिलेट होगा 8 से, 5 रिलेट होगा 10 से, 6 रिलेट होगा 12 से। तो जो रिलेट वाले एलिमेंट्स हैं वो मैंने अलग रख दिया है, तो ये वो एलिमेंट है जो इनके एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ये जो सेट है वो कहा जाता है रेंज। इसमें सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, लेकिन ये पूरे सेट में बहुत एलिमेंट होंगे तो ये पूरा सेट कहलाता है कोडोमेन। कोडोमेन रेंज और डोमेन। और रिलेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई लिखते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पहला सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेकेंड सेट बी। इस तरह से मैं रिलेशन लिखती हूँ। रिलेशन को हमेशा ऐसा लिखा जाता है, ये रिलेशन हो गया सेट बिल्डर्स फॉर्म में, ये रिलेशन हो गया कि हम सिम्बोलिकली डायग्राम से समझते हैं। अब अगर मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकती हूँ जिससे पूरी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ए में मान लीजिए 2 है, ए से 2 लिया, अब यहाँ के एलिमेंट डबल हो रहे हैं तो 2 को कौन मिलेगा? 4 मिलेगा। 3 को कौन मिलेगा? 6 मिलेगा। 4 को कौन मिलेगा? 8 मिलेगा। 5 को कौन मिलेगा? 10 मिलेगा। अब यहाँ से मैं अगर डोमेन बनाना चाहूँ इस कार्टेशियन पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, जब आप एक्स कोऑर्डिनेट लिख लेते हो तो वो डोमेन है, और जब आप वाई कोऑर्डिनेट लिख लेते हो तो वो रेंज है, 4, 6, 8, 10। तो ये है रेंज, ये है रिलेशन सेट बिल्डर्स फॉर्म में, ये रिलेशन डायग्राम में, ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में, और ये डोमेन और रेंज, ये सब हमने बात प्रीवियस वीडियो में की थी। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस में आते हैं। सो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट के बीच चलता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें रिलेशन क्वेश्चन दिया है कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, यानी रिलेशन ए से ए में ही डिफाइन है। हर क्वेश्चन में
हमें एक रिलेशन चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ए से बी में जो रिलेशन था ना वो एलिमेंट को डबल करता था। अब ये जो यहाँ पे रिलेशन है वो कैसा है कि एक्स वाई में बदलता है, जहाँ 3x - y = 0 है। पहली बात तो ये रिलेशन ए से ए में ही चल रहा है, यानी कि हमारा डोमेन और रेंज दोनों ए ही हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे है। अब ये एलिमेंट बदल कैसे रहे हैं और सेट ए दिया हुआ है हमें, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 करके 14 तक के एलिमेंट्स हैं। ये ए के एलिमेंट ए में ही बदलते हैं, दूसरा सेट नहीं है। तो ये रिलेशन किस टाइप का है कि 3x - y = 0, यानी y = 3x भी कह सकती हूँ मैं। यानी कि हर एलिमेंट अगर मैं चाहूँ तो इसी रिलेशन को कैसे लिख सकती हूँ, x, y की वैल्यू क्या है, 3x। यानी मैं इसे ऐसे समझ सकती हूँ कि हर एलिमेंट अपने 3 गुना में बदल रहा है, हर एलिमेंट 3 times हो जा रहा है। 1 की इमेज क्या होगी, 3 होगी। तो अब अगर हम लोग समझ गए हैं r = x, क्योंकि y की वैल्यू 3x है, 3x सच दैट x बिलोंग्स टू a। यहाँ पे अभी हमने y को एलिमिनेट कर दिया, यानी अब मुझे हर एलिमेंट अपने 3 times में बदल जा रहा है। ओके, तो अब अगर मैं इस रिलेशन को डायग्राम में समझती हूँ, 14 तक लिख लिया ऐसे, अब हर एलिमेंट अपना 3 times हो जा रहा है। तो 1 का 3 times क्या होगा, 3 होगा। 2 का 3 times क्या होगा, 6 होगा। 3 times होगा 15। बट स्टॉप, क्योंकि हम ए में ही रिलेशन ले रहे हैं, बी मतलब जो रेंज है वो भी ए ही है, तो ए में तो 14 तक के एलिमेंट्स हैं, यानी कि 5 रिलेटेड नहीं होगा, 5 की इमेज नहीं मिल पाएगी। क्योंकि 5 की इमेज अगर रिलेशन के हिसाब से ले तो 15 होती है, लेकिन 15 तो हमारे सेट में है ही नहीं। यानी कि हमें ये जो सेट है 5, 6, 7, 8, 9, ये आगे पूरा आप लिख भी सकते हो, बट अगर बात होगी डोमेन की तो डोमेन में इतने ही एलिमेंट होंगे। अब अगर मैं आपसे डोमेन और रेंज की बात करूं तो रेंज जो है वो ये जो येलो कलर से है, दिस इज रेंज, क्योंकि रेंज में वही एलिमेंट आते हैं जो किसी ना किसी से रिलेटेड होते हैं, तो इतने ही एलिमेंट तो रिलेटेड है, बाकी एलिमेंट तो फ्री बैठे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख देती हूँ, कौन किससे रिलेटेड है, 1, 3 से रिलेटेड है, 2, 6 से रिलेटेड है, 3, 9 से रिलेटेड है, 4, 12 से रिलेटेड है। ये हमने समझ लिया है। अब अगर मुझसे कोई बोले कि भाई ये रिलेशन सेट बिल्डर्स फॉर्म में है, ये रिलेशन डायग्राम में है, ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में है, अब अगर इन लोगों ने डोमेन बोला है तो डोमेन कोई बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं है निकालना। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि डोमेन के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट लिख लेना है, एक्स कोऑर्डिनेट लिख लेना होता है, और रेंज के लिए हमें वाई कोऑर्डिनेट लिखना होता है। तो ये मैंने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं, दिस इज डोमेन एंड रेंज। तो सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही डोमेन है, नेचुरल नंबर ही को डोमेन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड रिलेशन है कि एक्स एक्स वाई से रिलेटेड होता है, सच दैट y = x + 5, यानी हर एलिमेंट अपने 5 ज़्यादा से रिलेटेड, x + 5 से रिलेटेड होगा, y + 5 से रिलेटेड होगा, 1 किससे रिलेटेड होगा, 1+5 से, हर बार 5-5 जुड़ जाता है। हर एलिमेंट किससे रिलेटेड है, अपने 5 ज़्यादा से। 2 किससे रिलेटेड है, 2+5, 3 किससे रिलेटेड है, 3+5, ऐसा रिलेशन दिया है। अब आपको वही काम करना है सब में, आप एक दो क्वेश्चन से समझ लेंगे, कितने भी क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, सभी में डोमेन रेंज को डोमेन बनाना है। तो ये देखिए x + 5 से रिलेटेड है, ये तो सिंबॉलिकली हुआ, बट ये जो हमारा डोमेन है ना, मतलब x रिलेशन किस टाइप का दिया है कि x < 4 है, यानी डोमेन में आपको सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं जो 4 से छोटे हैं, क्योंकि वैसे तो नेचुरल नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि हर वो एक्स आप ले सकते हो जो 4 से छोटा हो। तो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 लिख रखा है, तो 1 की क्या इमेज मिलेगी, हर एलिमेंट में 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 की इमेज 6 मिलेगी, 2 की इमेज मिलेगी 7, 3 की इमेज मिलेगी 8, ठीक है। इन तीनों के अलावा और कोई
कोडोमेन तो पूरा है, पूरा सेट कोडोमेन होता है, रेंज वही होते उन्हीं एलिमेंट्स का सेट होता है जो किसी न किसी से रिलेटेड, तो यही तीन एलिमेंट बस रिलेटेड होंगे क्योंकि नेचुरल नंबर वन से ही शुरू होता है, तो वन से ही हमने लिया है। तो अगर इस रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ, रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, अब मैं अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ तो इन दिस रिलेशन वुड बी, रोस्टर मतलब अब एलिमेंट कौन किससे रिलेटेड, यहाँ से पिक्चर पूरी क्लियर है, 1 6 से रिलेटेड है, 2 7 से रिलेटेड है, 3 8 से रिलेटेड है, तो ये लिख लिया मैंने रिलेशन, सेट बिल्डर्स फॉर्म में तो दिया ही हुआ था, रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब हम आसानी से इसका डोमेन और रेंज लिख लेते हैं, तो दिस इज डोमेन। डोमेन में क्या होता है कि हम लोग को जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर्ड पेयर का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है, तो 1 2 एंड 3। और अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो रेंज हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 6 7 एंड 8। तो बच्चों ये है रिलेशन की कहानी, बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आराम से आप कर लोगे क्वेश्चंस। ए और बी दो सेट दिए हैं, इनके बीच एक रिलेशन है, इस तरह का रिलेशन है कि एक्स और वही एक्स उसी वाई से रिलेटेड होगा जिनके बीच का डिफरेंस जो है ऑड नंबर हो, ठीक है। तो अगर इस रिलेशन को मुझे क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कौन कौन रिलेटेड होगा, 1 4 से रिलेटेड होगा क्योंकि 1 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है और वो एक ऑड नंबर है। फिर 1 6 से रिलेटेड होगा और फिर उसके बाद 2 इनमें से किसके साथ रिलेटेड होगा, 9 के साथ, और इसी तरह से क्योंकि 2 माइनस 9 7 होता है, ठीक है। और 3 4 से रिलेटेड होगा, फिर 3 6 से रिलेटेड होगा, 3 9 से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि उनका डिफरेंस 6 है जो कि इवन नंबर है, 5 4 से रिलेटेड होगा। आपको इसके एलिमेंट पहले रखना है क्योंकि ये डोमेन है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इसी का होना चाहिए, ए का। उसके बाद 5 4 से हो गया, 5 6 से होगा और 5 9 से नहीं होगा क्योंकि उनका डिफरेंस जो है वो इवन मिल जाता है। तो ये है रिलेशन किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। अगर आपको डोमेन निकालना है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिख देंगे, रेंज निकालना है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट लिख देंगे। और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक रिलेशन दिया हुआ है ए सेट से बी सेट के बीच और इन्होंने बोला है कि इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में अगर इस रिलेशन को मैं लिखती हूँ तो जस्ट वी हैव टू मेक ऑर्डर्ड पेयर 5 3 6 4 7 5, ये रोस्टर फॉर्म में लिख लिया मैंने। अब सेम रिलेशन को मुझे लिखना है सेट बिल्डर्स फॉर्म में, सेट बिल्डर्स फॉर्म। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, आप पहले देखिए कि किस तरह से रिलेटेड है, 5 3 हो जाता है यानी 2 कम हो जा रहा है, 6 भी 4 हो गया यानी 2 ही कम हुआ है, 7 भी 5 हुआ यानी आप ये पता करिए कि वो किस तरह से रिलेटेड है, तो 2 कम हो रहा है ना। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, या वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ऐसे लिख लेंगे। एक्स बिलोंग्स टू डोमेन यानी कि ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो जैसे हमने अब तक जाना है कि इस तरह से रिलेशन को लिखा जाता है, तो दिस इज सेट बिल्डर्स फॉर्म एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म। हर एलिमेंट अपने 2 कम से रिलेटेड है, तो इस तरह से अपन इसे लिख सकते हैं। एक्चुअली आप समझ चुके होंगे, एक दो और देख लेते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसी ही है। अब तो क्वेश्चन है, इसमें रिलेशन ए एक सेट है, ए में डिफाइन है एक रिलेशन और ए से ए में ही डिफाइन है, ठीक है। अब ये रिलेशन कुछ इस तरह से है कि ए बी से रिलेटेड कहा जाएगा अगर बी एक से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अब हम लोग डोमेन में इस रिलेशन को अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसमें कई सारे पार्ट है, पहला तो रोस्टर फॉर्म में लिखना, फिर डोमेन और फिर रेंज लिखना है। तो अब वन सबसे पहले तो इसमें 1 जाएगा, तो 1 किससे रिलेटेड होता है, 1 तो सबसे ही डिविजिबल होता है ना, मतलब ये जो सेकेंड नंबर पे है 1 उसी से रिलेटेड होगा जिससे 1 एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो 1 तो सबसे ही डिविजिबल होता है, तो 1 के साथ सभी आ जाएंगे, मतलब 1 जिसको जिसको डिवाइड कर सकता है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो 1 सबके साथ आ गया। इसके बाद 2 की बात कर लेते हैं, 2 के साथ साथ कौन आएगा, 2 किस
किसको डिवाइड करता है, कौन कौन से नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है टू से, तो ऑब्वियसली इवन नंबर्स होंगे। तो इवन नंबर्स में कौन कौन आएगा, एक तो टू ही आ जाएगा, एक फोर आएगा और एक सिक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद थ्री, थ्री के साथ कौन आएगा, सिक्स आएगा, और फोर के साथ कोई भी डिवाइड करने वाला नहीं है। थ्री का हो गया, अब हम लोग फोर लिखते हैं। फोर किससे रिलेटेड होगा, फोर फोर से रिलेटेड होगा, और फिर सिक्स की बारी आती है तो सिक्स सिक्स से ही रिलेटेड होगा। एक्स कोऑर्डिनेट पे हम लोग को वो एलिमेंट लेना है जो ए में है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग वही एलिमेंट लेंगे जो कि एक्स से डिविजिबल है एग्जैक्टली। तो इसका डोमेन निकालना है, तो बस मुझे फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट लिख लेना है, तो ऑब्वियसली वन टू थ्री फोर सिक्स ही लिखे जाएंगे। और अगर मुझे इसका रेंज निकालना है तो रेंज में भी जो सेकेंड जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो भी तो वही है, तो डोमेन और रेंज इसके सेम आ जाएंगे। तो अब हम लोग आते हैं सिक्स क्वेश्चन में, सिक्स सेवन एट तीनों क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है। सिक्स क्वेश्चन है कि एक्स कॉमा एक्स प्लस फाइव रिलेशन ऐसा है कि हर एलिमेंट अपने फाइव ज़्यादा से रिलेटेड है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन डोमेन से एलिमेंट ये लेना है। तो रोस्टर फॉर्म में अगर मैं इस रिलेशन को लिखूंगी तो जीरो किससे रिलेटेड होगा, जीरो प्लस फाइव से यानी कि फाइव से, वन किससे रिलेटेड होगा, वन प्लस फाइव से यानी कि सिक्स से, टू किससे रिलेटेड होगा, सेवन से, और थ्री किससे रिलेटेड होगा, एट से, फोर किससे रिलेटेड होगा, नाइन से, फाइव किससे रिलेटेड होगा, टेन से। तो ये मैंने लिख लिया रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। डोमेन रेंज बनाना हो तो बहुत ईजी है, डोमेन तो यही हो जाएगा, रेंज जो है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अब हम लोग सेवन्थ क्वेश्चन में आते हैं, कुछ रिलेशन इस तरह का है कि हर एलिमेंट का क्यूब हो जाता है, हर एलिमेंट अपने क्यूब से रिलेटेड है, लेकिन एलिमेंट्स आपको कहाँ से लेना है, एक्स इज प्राइम लेस देन टेन, यानी कि आपको दस से छोटे प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो दस से छोटे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, टू थ्री फाइव सेवन, ये होगा ना, कुछ छोटा तो नहीं, तो ये बस लेने हैं, फिक्स्ड है ये प्राइम नंबर्स। अच्छा, अब इनका क्यूब लिखना है, तो टू का क्यूब एट, थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन, फाइव का क्यूब वन ट्वेंटी फाइव, ठीक है, और सेवन का क्यूब होगा थ्री फोर्टी थ्री। तो ये हो गया रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। अगर मुझे डोमेन चाहिए तो डोमेन में सिर्फ फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगी, ये हमने लिख लिया एक्स कोऑर्डिनेट। अगर मुझे इसका रेंज चाहिए, आपको पता है रेंज आप सीधे वाई कोऑर्डिनेट लिख लोगे, तो 8, 27, 125 एंड 343, ठीक है। तो ये हो गया इसका डोमेन और रेंज, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपको ज़रूर जाना चाहिए कि ए और बी दो सेट दिए हैं। अब हमें समझ में आ गई कहानी कि होना क्या है, सब में तो वही हो रहा है ना, बट दिस इज़ द लास्ट थिंग विच यू नीड टू नो दैट कि दो सेट दिए हैं तो आपको बताना है कि उसमें ए से बी में कितने रिलेशंस हो सकते हैं, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इसके एलिमेंट जो मैंने अभी आपको बताया था, ये ए से बी में कितने रिलेशंस हो सकते हैं, इसका फॉर्मूला है टू इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो टू टू द पावर सिक्स, इतने रिलेशन पॉसिबल हैं। एक बार फिर से बोल रही हूँ, ए और बी दो सेट्स हैं, उनके बीच कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, उसका फॉर्मूला है टू रेस टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इनके दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके टू के ऊपर पावर में ले लेंगे, इतने रिलेशन पॉसिबल है ए से बी में। आई होप समझ में आ गया है, ये एक्सरसाइज बहुत आसान थी। अगर रिलेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो ही जाते हैं। फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था, हमने फंक्शन की डोमेन रेंज भी स्टार्ट कर दी थी। डोमेन का सेकेंड वीडियो आना बचा है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक।